दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ट्री कवर बढ़ा है। दूसरा उसमें बड़ा सहयोग अब कर रही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में अब दिल्ली की जनता पर्यावरण मित्र बनकर सहयोग करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मित्र को लॉन्च किया। इसके तहत दिल्ली के नागरिकों को प्रदूषण के खिलाफ छुड़े सरकार के अभियान से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए अब दिल्ली का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 8448441758 पर मिस कॉल करके पर्यावरण मित्र बन सकता है। पर्यावरण मित्र लॉन्च करने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली एक फाइटर सिटी के रूप में उभर कर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पर्यावरण को साफ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए कई कार्यक्रम युद्ध स्तर पर शुरू किए हैं। सरकार फाइटिंग मूड में काम कर रही है, जिसके तहत हमने इस साल विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ समर एक्शन प्लान बनाया। लेकिन दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं उन सभी उपायों पर इस समर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। समर एक्शन प्लान की शुरुआत, सरकार ने इस साल विंटर एक्शन प्लान की तरह समर एक्शन प्लान की भी शुरुआत की है। समर एक्शन प्लान के तहत सरकार 14 बिंदुओं पर कार्य कर रही है, जिसमें खास तौर पर एंटी ओपन बर्निंग अभियान, अर्बन फार्मिंग, रोड साइड ग्रीन कवर बढ़ाना, पार्कों का विकास, सिटी फॉरेस्ट का विकास, झीलों का विकास, ई वेस्ट इको पार्क, वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प शामिल है। दिल्ली में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के मद्देनजर दिल्ली में जहां साल 2013 में हरित क्षेत्र 20% था, सरकार के प्रयासों के कारण साल 2021 में यह बढ़कर 23.06% हो गया है। साथ ही शहरों के प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट कवर के मामले में दिल्ली पूरे देश में नंबर वन पर आ गया है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई कि भाई अगर पेड़ काटोगे तो 10 नए तो लगाने ही लगाने हैं, उसके साथ साथ जो पेड़ कटेगा उसको कटने नहीं देना, उस पेड़ को वहां से उठा के जड़ समेत मिट्टी समेत उसको दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हो। इस तकनीक को इस्तेमाल करके हम लोगों ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत हमने कहा कि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कम से कम 80% पेड़ तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करने ही पड़ेगा। दिल्ली सरकार अर्बन फार्मिंग को लेकर काम कर रही है, जिससे न केवल हरित क्षेत्र बढ़ेगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही दिल्ली के 10,000 पार्कों को वर्ल्ड क्लास स्तर पर विकसित करने के लिए सरकार ने ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली की थीम पर महाअभियान की शुरुआत की है। दिल्ली के अंदर जितने पार्क हैं, बहुत सारे पार्क हरे भरे हैं, बहुत सारे पार्क हैं जो अनडेवलप्ड हैं, तो दिल्ली के सभी पार्कों के अंदर हरियाली पैदा किया जाए, इसको लेकर के सरकार काम शुरू कर चुकी है। दिल्ली में वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने रेड लाइट इंजन ऑफ की पहल की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए 1 जुलाई से पूरी दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट्स को भी बैन कर दिया गया है और लोगों में इसके विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच सरकार की ओर से प्लास्टिक विकल्प मेल का भी आयोजन किया गया, ताकि दिल्ली को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर बनाया जा सके। दिल्ली के अंदर अभी सिंगल यूज प्लास्टिक 1 तारीख से बैन हो चुका है, जिसमें 90 आइटम्स, तो दिल्ली के अंदर 75 माइक्रॉन के नीचे की पॉलिथीन की थैली बैन है, उसके ऊपर की थैली बैन अभी नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ कई अभियान सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के नागरिक कैसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान में सहयोगी और साथी बन सकते हैं, इसके लिए सरकार पर्यावरण मित्र की शुरुआत कर रही है। पर्यावरण मित्र लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लोगों का एक नेटवर्क बनाने से है, जिसके पास जागरूकता, ज्ञान, प्रतिबद्धता और अपने स्वयं के क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है।
पर्यावरण मित्र एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जहां नागरिकों को व्यक्तिगत, स्कूल, परिवार और सामुदायिक स्तरों पर पर्यावरण की बेहतरी के लिए कार्य करने का अवसर मिलेगा। प्रदूषण के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी नागरिकों को इससे जोड़ना चाहती है, ताकि दिल्ली का हर एक व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे। पर्यावरण मित्र तीन मुख्य गतिविधियों में सरकार का सहयोग करेंगे, हरियाली बढ़ाने में, प्रदूषण कम करने में, कचरा प्रबंध को सुधारने में। साथ ही जो पर्यावरण मित्र अच्छा काम करेंगे और वॉलंटियर गतिविधियों में ज्यादा भाग लेंगे, उनको सरकार की ओर से पर्यावरण मित्र संगठन का कोऑर्डिनेटर भी बनाया जाएगा। अब एक परमानेंट वॉलंटियर स्ट्रक्चर वार्ड लेवल तक, मोहल्ला लेवल तक हम पर्यावरण विभाग की तरफ से बनाना चाहते हैं, जिससे कि उनके साथ हमारा नियमित तौर पर कम्युनिकेशन रहे, उनके जो नए नए आइडियाज़ हैं वो हमारे तक आ सकें और हम सरकार जो कैंपेन लॉन्च करती है वो उन तक जा सके और उनके माध्यम से फिर पब्लिक को अवेयर किया जा सके। इस काम को करने के लिए हम दिल्ली सरकार के अंदर पर्यावरण विभाग पर्यावरण मित्र का रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के स्तर पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें एंटी डस्ट, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, पराली को गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर के घोल का छिड़काव, एंटी ओपन बर्निंग जैसे कैंपेन शामिल है। इसके लिए पर्यावरण मित्र अभियान से जुड़कर सरकार का सहयोग की अपील की जा रही है।